नमस्कार साथी, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल केवल सुन मशीन पे। आज मैं आपको उषा के एलो डिलक्स में जो ऑप्शनल एक्सेसरीज आती है रफलर फुट, जो कि प्लेट डालने के लिए काम आता है, ये आपको इसमें चला के दिखाएंगे कि क्या सेटिंग रखनी है इसमें और कैसे एडजस्ट करके इसको लगाना है। रफलर फुट लगाने के लिए सबसे पहले ये जो जिगजैग वाला फुट निकाल लेंगे जो लगा हुआ है नॉर्मल, और ये श्रैंक भी निकाल लेंगे यहाँ से नट लूज करके। इसी के बीच में ये वाला पार्ट जो होता है रफलर का, ये पार्ट इसमें लगेगा। इसको टाइट कर दें। टाइट करने के बाद इसमें मशीन को सीधी सिलाई पे एडजस्ट करना है ए पे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सीधी सिलाई ए पे है, तो ए रखा। लेंथ 2.5 से 3 रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया आएगा। और पहले इसको फ्रेली चला के देखेंगे, हाथ से मूव करके, लीडर सही पॉइंट पे टच कर रहा है। और एक हल्का पुश करके चला के देखें, सीधी सिलाई का हमने चेक कर लिया, निडल कहीं टच नहीं हो रही। फिर इसको अब लगाने के लिए जो ये वाला पार्ट है, ये निडल के इस पार्ट पर जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, ये भी लगना चाहिए, ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया। फिर इसको टाइट कर देंगे दोबारा, लीवर डाउन करके एक बार फ्री दोबारा चला के देखेंगे सही चल रहा है इसको। ये एकदम ओके है, सही चल रहा है। अब इसमें फैब्रिक लगा के चला के चेक करेंगे। उससे पहले आपको इसमें नंबर दे रखे हैं, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये नंबर इसमें दे रखे हैं कि आपको हर एक स्टिच के बाद प्लेट चाहिए या 6 स्टिच के बाद या 12 के बाद। ये फ्री वाला होता है, इसमें नहीं चलता प्लेट का, तो हम 6 पे भी सेट करके चला के देखेंगे। इसमें कपड़ा लगाया, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना है, लीवर नीचे डाउन करना ना भूलें, डाउन जरूर करना है। अभी प्रेस करेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया प्लेट आई है इसमें। ऐसे ही ये 12 स्टिच के बाद भी हो जाएगा, इसमें वो भी चला के देखते हैं। इसमें 12 नहीं, एक चला के देखते हैं, एक में और पास अच्छी प्लेट आएंगी। ये देखिए ये बिल्कुल पास वाले प्लेट है। सबसे अच्छे प्लेट 6 स्टिच के बाद आई है, बहुत बढ़िया प्लेट्स आई हैं इसमें। ये देखिए ऐसे इस तरह मैं अटैचमेंट के आपको वीडियो डालता रहूँगा। कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।